नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। समाज सुधार अभियान के तहत गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार, कलाकृतियों का किया अवलोकन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन, जीविका दीदियों से भी की बात। 25 दिसंबर को बेगूसराय और मुंगेर के बीच बने गंगा सह सड़क पुल का उद्घाटन, सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। लुधियाना ब्लास्ट के बाद सवालों में पंजाब पुलिस, दो चिट्ठियों से बड़ा खुलासा, पाकिस्तान और खालिस्तानी आतंकी हमले का पहले से था लक्ष्य। इस महीने खुफिया एजेंसियों ने पंजाब पुलिस को दो बार किया था अलर्ट, ड्रोन से हथियारों और विस्फोटक स्मगलिंग के भी पीछे था। आरडीएक्स या पीटीटीएन से किया गया था लुधियाना कोच में ब्लास्ट, फॉरेंसिक जांच में हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव के इस्तेमाल का खुलासा। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट केस में जांच में तेज, पंजाब पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, कोर्ट परिसर की छावनी में किया तब्दील। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट केस में एनआईए और एनएसजी की जांच जारी, टॉयलेट से छत विषक हालत में मिला शव। लुधियाना में ब्लास्ट के बाद पंजाब में हाई अलर्ट, सार्वजनिक जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, हर आने जाने वालों पर पैनी नजर। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में पाक बेस्ट आतंकी संगठन बब्बर खालसा का हाथ, सूत्रों के हवाले से खबर, गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पंजाब के सीएम से फोन पर की बात, लुधियाना ब्लास्ट को लेकर मुख्यमंत्री चन्नी से ली जानकारी। अरविंद केजरीवाल का चन्नी सरकार पर निशाना, कहा पंजाब में भ्रष्टाचार का बोलबाला, पुलिस भर्ती में होता है घोटाला। केजरीवाल ने कहा सत्ता के दबाव में पंजाब पुलिस काम कर रही है, पुलिस को काम करने देते तो बेअदबी नहीं होती। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दाव, सीएम चन्नी ने किया किसानों की कर्ज माफी का ऐलान। पंजाब में किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज होंगे माफ, 10 से 15 दिनों में किसानों के खाते में जमा होगी राशि। केजरीवाल पर पंजाब सीएम चन्नी का बड़ा हमला, कहा भगोड़ा है अरविंद केजरीवाल, अपनी राजनीति के लिए पंजाब के भविष्य से किया समझौता। लुधियाना ब्लास्ट पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान, कहा हर हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं। कानपुर में इतर कारोबारी और अखिलेश के करीबी पीयूष जैन के घर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 150 करोड़ कैश बरामद। 500 रुपए के नोट के गड्डियों के गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीन, कारोबारी के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात। छापेमारी में मिले रुपए को गिनने के लिए मशीनें लगाई गई, नोटों को ले जाने के लिए इनकम टैक्स ने बॉक्स लगाए। कानपुर में इतर कारोबारी के घर नोट गिनने के लिए 2 और मशीनें मंगवाई गई, कुल 9 मशीनों से नोटों की गिनती का काम जारी। कानपुर में इतर कारोबारी पीयूष जैन के घर पर DGGI की छापेमारी, पीयूष जैन के बेटे को हिरासत में लिया। कारोबारी पीयूष जैन पर 50 करोड़ की जीएसटी चोरी का आरोप, DGGI अहमदाबाद जोन के नेतृत्व में चल रही है छापेमारी। कारोबारी पीयूष जैन पर 50 करोड़ की जीएसटी चोरी का आरोप, DGGI अहमदाबाद जोन के नेतृत्व में चल रही है छापेमारी। कानपुर में पीयूष जैन के घर छापेमारी पर समित पात्रा ने कहा समाजवादियों का नारा, जनता का पैसा हमारा। इधर कारोबारी के घर पर छापे को लेकर बीजेपी का हमला, कहा भ्रष्टाचारियों और गुंडों की पार्टी है एसपी, जनता का पैसा लूट कर अपनी तिजोरियां भर। यूपी में आयकर विभाग की कार्रवाई पर रामगोपाल यादव का बयान, कहा पीयूष जैन से एसपी का कोई संबंध नहीं। कानपुर में असदुद्दीन ओवैसी की धमकी का वीडियो वायरल, यूपी पुलिस से कहा हम भूलेंगे नहीं, ये याद रखना। ओवैसी की धमकी पर कपिल मिश्रा का पलटवार, कहा ओवैसी की सोच, मोदी योगी हटे हिंदू कटे, हम ऐसी सोच को अपने एरियो से कुचल दें। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का ओवैसी पर हमला, कहा हिंदुओं को लगातार चुनौती दे रहे हैं ओवैसी, हिंदुस्तान में तालिबान कभी नहीं आ पाएगा। ओवैसी पर बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा का ट्वीट, पूछा किसे धमका रहे मियां, जब भी कोई औरंगजेब और बाबर आएगा तब कोई शिवाजी महाराणा प्रताप बन खड़ा हो जाएगा। समित पात्रा ने ओवैसी को ललकारते हुए कहा सुनो, हम ना डरे थे मुगलों से ना जिन्नावादियों से। असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर बरसे बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा, कहा ओवैसी कत्लेआम करवाकर जिन्ना की तरह देश को बंटवारा चाहते। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलभ मनी त्रिपाठी का ओवैसी पर साधा निशाना, लिखा गिद्धों के कोसने से गाय नहीं मरती ओवैसी साहब।
नए साल पर यूपी में पीएम मोदी करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। जनवरी के पहले हफ्ते में पीएम मोदी की 3 चुनावी रैली प्रस्तावित। 4 जनवरी को मेरठ में पीएम मोदी की जनसभा, 8 जनवरी को वाराणसी और 9 जनवरी को लखनऊ में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी के रामलला के दर्शन, भगवान की आरती कर लिया आशीर्वाद। अयोध्या में सीएम योगी ने हनुमान गढ़ी के किए दर्शन, महंत राजदास ने करवाई पूजा, केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल भी रहे मौजूद। इलाहाबाद हाई कोर्ट को पीएम मोदी और चुनाव आयोग से चुनाव टालने की अपील, चुनावी रैलियां पर भी रोक लगाने का अनुरोध। इलाहाबाद हाईकोर्ट में राजनीतिक पार्टियों से कहा, चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक्शन में चुनाव आयोग, 27 दिसंबर को स्वास्थ्य सचिव के साथ होगी अहम बैठक। अगले हफ्ते यूपी जाएगी चुनावी आयोग की टीम, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, हम यूपी की स्थिति की करेंगे समीक्षा, उसके बाद लिया जाएगा फैसला। यूपी के सरस्वती में बीजेपी की यात्रा में शामिल हुआ जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, कहा जिन्ना से सरदार पटेल की तुलना करने वालों को जनता सबक सिखाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, कहा दिल्ली से लखनऊ तक बनाएंगे ग्रीन एक्सप्रेस वे, 10 दिन में होगा एक्सप्रेस वे का भूमि पूजन। अयोध्या जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी नेताओं पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे का आरोप, कहा अयोध्या विकास प्राधिकरण में भी बची है लूट। यूपी में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त सरकारी जमीन पर बनेगी गरीबों का आशियाना, 26 दिसंबर को सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव पर मौलाना कलवे जवाद का विवादित बयान, कहा ज्यादा उम्र में लड़कियों की शादी होने से उनके बिगड़ने की संभावना ज्यादा। इस्लामिक धर्मगुरु ने दोहराई लड़कियों की जल्दी शादी कराए जाने की बात, कहा लड़कियों के ना बिगड़े इसलिए इस्लाम में जल्दी शादी का है आदेश। गुजरात के वडोदरा में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट, हादसे में 4 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। अयोध्या कथित जमीन घोटाले पर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का जवाब, कहा कांग्रेस नहीं चाहती राम मंदिर बने। दिल्ली की करकटडूमा कोर्ट में छेड़छाड़ के आरोपी ने की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पंजाब के गुरदासपुर में सरहद के पास दिखा संदिग्ध गुब्बारा, जवानों ने फायरिंग कर गिराया, पाकिस्तान की तरफ से आया था बैलून। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एक आतंकी ढेर, कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित धरारा प्रखंड में नक्सलियों का तांडव, प्रखंड के आजिमगंज पंचायत से नवनिर्वाचित मुखिया के घर में घुसकर हत्या, जंगलों में पुलिस का सर्च अभियान। फुलवारी शरीफ के बेउर थाना क्षेत्र में अनिशाबाद में एक युवक ने की खुदकुशी, दीपक के नाम से हुई मृतक की पहचान, खुदकुशी के कारणों की जानकारी। भोजपुर जिले के बढ़ारा थाना क्षेत्र के मनी छपरा गांव में आपसी विवाद में पहले पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की, फिर की खुदकुशी। धनबाद के बासीपुर में डॉन फहीम खान के बेटे शहजादा खान के ड्राइवर की दबंग गई, दुकानदारों ने ड्राइवर पर मारपीट करने और गाली गलौज करने का लगाया। रांची रेल मंडल के मोड़ी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की सूझबूझ से रेल यात्री की बची जान। दुमका नगर थाना में दिल दहलाने वाली वारदात आई सामने, अवैध संबंध के शक में पति ने की पत्नी की हत्या। मधुबनी जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंची छात्रा से युवक ने की छेड़खानी, विरोध करने पर लड़की को पीटा। मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, फरार चल रहे 22 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बेतिया में पुलिस ने 37 पीस शराब के साथ एक बाइक को किया जब्त, मौके से तस्कर फरार। मुंगेर में धान की फसल के पुआल की कट्टी काटने को लेकर 2 पड़ोसियों में हुआ विवाद, 10 घायल। सिमडेगा में पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 6000 लीटर महुआ जावा को नष्ट किया गया, इस मामले में 17 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। बिहार के समस्तीपुर में रेल थाने में बैरक से मिली शराब की बड़ी खेप, एक सिपाही भी गिरफ्तार, थानाध्यक्ष सहित एक एसआई और 4 सिपाही निलंबित। बिहार के मुजफ्फरपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा, 20 घंटे तक बिजली के टावर पर चढ़े युवक का रेस्क्यू, टावर पर चढ़कर मोबाइल और मिठाई का कर रहा था मांग। बिहार के सासाराम के सदर अस्पताल में मरीज को नहीं दिया गया स्ट्रेचर, कंधे पर लादकर परिजन एक वार्ड के दूसरे वार्ड का काटते रहे चक्कर। बिहार के गया कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी की गोली मारकर हत्या, पहले से घात लगाए अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम।
गोपालगंज के रसौती गांव के पास शव मिलने से इलाके में सनसनी, शव की शिनाख्त में पुलिस। वगा के दोनाए में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, शव को कंधे के खेत में फेंककर अपराधी फरार। गोपालगंज में घरेलू विवाद में तंग आकर शख्स ने की आत्महत्या, 3 दिन पहले आया था ससुराल, शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश में जुटी पुलिस। साहिबगंज और भागलपुर वन विभाग ने झारखंड बिहार के बॉर्डर पर की बड़ी कार्रवाई, 5 आरा मिलों को किया बंद, लाखों की अवैध लकड़ी हुई बरामद। शेखपुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोर गिरोह के 7 सदस्यों को चोरी के सामान के साथ किया गिरफ्तार। खनन पदाधिकारी ने छापेमारी, अवैध बालू लदे 10 ट्रैक्टर जब्त किए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में स्काई वॉक ग्लास ब्रिज देखने के लिए सैलानियों की उमड़ी भीड़, समय पर टिकट नहीं मिलने से पर्यटकों में दिखी नाराजगी। देवघर में फूलों जानो आशीर्वाद योजना से ग्रामीण महिलाएं हो रही हैं स्वावलंबी, द्वारे हरुआ निर्माण का काम छोड़कर रोजगार से जुड़ी हुई है महिलाएं। खंडवा जिले के पश्चिमी टुंडी क्षेत्र में हाथियों के झुंड का तांडव, भिलवई गांव में एक घर को किया क्षतिग्रस्त। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने दिल्ली में 27 और 28 दिसंबर को बारिश की संभावना जताई। राजधानी पटना में ठंड का प्रकोप, तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस पर सिमटा, सुबह में कोहरा तो शाम में कनकनी से लोगों की बढ़ाई परेशानी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल किया, शाम होते ही चाईबासा में सड़कों पर पसर जाता है सन्नाटा। झारखंड में बढ़ रहा है कोरोना का केस, पीछे 24 घंटे में पूरे राज्य में 44 नए मामले आए सामने। 29 दिसंबर को मोदी मंत्रिपरिषद की अहम बैठक, सरकारी योजनाओं के हो सकते हैं समीक्षा, ओमिक्रॉन वेरिएंट और वैक्सीनेशन पर भी चर्चा संभव। यूपी में 25 दिसंबर से फिर लगेगा कोरोना कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। यूपी में अब सार्वजनिक समारोह और शादी में अधिकतम 200 लोग ही हो सकेंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी ने कहा, हमें जीवन और जीविका दोनों को बचाना है, हम सबको मिलकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर हुई 358, महाराष्ट्र में 88 और दिल्ली में ओमिक्रॉन के 67 केस। ओमिक्रॉन से खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, 5 चुनावी राज्यों में रैलियां पर रोक लगाने की मांग। अमृतसर में भी सर्दी का सितम, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी घटी, लोगों को चलने में हो रही है परेशानी। जम्मू कश्मीर क्रिसमस को लेकर खास तैयारियां, श्रीनगर में क्रिसमस ट्री और सजावट के सामान किए जा रहे हैं तैयार। हरियाणा में वैक्सीनेशन पर सरकार की सख्ती का असर, वैक्सीनेशन में आई तेजी, 23 दिसंबर को 2,61,000 लोगों ने लगवाई वैक्सीन। गुजरात के अमरेली में गायों का झुंड देखा भागा शेर, शिकार के लिए घात लगाकर बैठा था जंगल का शेर। लेह लद्दाख में सीजन की पहली बर्फबारी, चारों तरफ बिछी है बर्फ की चादर। क्रिसमस मनाने के लिए शिमला तैयार, भव्य तरीके से सजाया गया क्राइस्ट और कैथोलिक चर्च। म्यांमार में उग्रवादियों की शरण लेने पर भारत ने जताई चिंता, सीमा पर बढ़े आतंकी कैंप। बांग्लादेश के झलकोटी में फेरी में आग से 32 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। इंडोनेशिया में मदर्स डे की बेहतरीन मिसाल, सैकड़ों बच्चों ने अपनी मां के पैर धोकर मनाया मदर्स डे। फ्रांस में कोरोना का संक्रमण बढ़ा, फार्मेसी के बाहर टेस्ट करवाने वालों की लगी लंबी लाइन। क्रिसमस पर इटली के रोम में भी मनाया जा रहा है जश्न, सेंटा ने अस्पतालों में जाकर बच्चों को बांटे गिफ्ट। ब्रिटेन में भी कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। बोलिविया में बाढ़ का बुरा हाल, बाढ़ का पानी घरों में घुसा, बाढ़ से अब तक 8 लोगों की मौत। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।